दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फरीदाबाद जिला हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण जिला है और एक तरीके से ये भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है तो रिकॉर्ड की बात है कि फरीदाबाद और गुड़गांव हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र है, ये पंजाबी समुदाय का गढ़ रहा है और 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी बनकर आए थे तो उनको बड़ी संख्या में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में बसाया गया था और तभी से ये रिकॉर्ड रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को ही यहाँ से टिकट मिलती रही थी। लेकिन कई राजनीतिक उठापटक के तहत जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र थे उसके साथ ही जो कुछ इलाका था, ग्रामीण क्षेत्र था, बड़कल एक गांव है यहाँ का, तो वो एक नई विधानसभा क्षेत्र का निर्माण किया गया जिससे जो पंजाबी समुदाय था वो आधा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में रह गया और आधा जो है बड़कल विधानसभा क्षेत्र में चला गया। तो पंजाबी समुदाय का ये आरोप है कि जानबूझकर ये पंजाबी समुदाय को बांटने के लिए और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र पर पंजाबी समुदाय का एकाधिकार ना रहे उस नीति के तहत उनका बंटवारा करके दो विधानसभा क्षेत्रों में पंजाबी समुदाय को बांट दिया। आधा बड़कल विधानसभा क्षेत्र में चला गया, आधा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में चला गया। और इसका असर क्या हुआ कि जब से एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को तोड़कर बड़ा हिस्सा बड़कल क्षेत्र में कर दिया गया, तब से कांग्रेस ने यहां से पंजाबी समुदाय की अनदेखी शुरू कर दी और जहां तक मुझे ध्यान है एक बार भी उसके बाद बड़कल विधानसभा क्षेत्र से किसी पंजाबी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और पंजाबी समुदाय के दिल में ये बहुत बड़ा मलाल है और वो ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जबकि 47 के बाद से जितने भी चुनाव हुए इस सीट पर पंजाबी समुदाय को के उम्मीदवार को ही खड़ा किया जाता था। अब सवाल पैदा होता है कि इस क्षेत्र से चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़े वो गुर्जर समुदाय से हैं, तो पिछली बार भी चुनाव लड़ने से पहले वो तो 79-80 के हो गए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, वो चुनाव लड़े, अच्छी तरीके से मजबूती से मुकाबला किया। जो कृष्ण पाल करीब 6.5 लाख वोटों से पिछली बार जीते थे, इस बार उनकी जीत मात्र 1.5 लाख के आसपास रह गई और जो 4,85,000 की लीड इस बार कम हो गई और महेंद्र प्रताप जी ने यहाँ पर डटकर मुकाबला किया। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि बड़कल सीट पर जिससे पहले चौधरी महेंद्र प्रताप विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, जीते भी, तो पिछली बार जो 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें उनके बेटे विजय प्रताप को टिकट दिया गया कांग्रेस का और उन्होंने भी तगड़ा मुकाबला किया, लेकिन लगभग 2,500 वोटों से विजय प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा भाजपा की सीमा तिरखा के सामने। तो दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है, चर्चाएं शहर में ये हो रही हैं कि क्या कांग्रेस हाईकमान पंजाबियों की नाराजगी दूर करके क्या फिर उनका सम्मान लौट आएगा और
किसी पंजाबी समुदाय के कैंडिडेट को बलकल सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है और कहा जा रहा है, क्या सच्चाई भी है, कि मजबूत कैंडिडेट के रूप में और साधन संपन्न कैंडिडेट के रूप में विजय प्रताप का कोई और मुकाबला पंजाबी समुदाय का भी नहीं लग रहा है कि वहां से उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन चूंकि पंजाबी समुदाय सीट पर अपना वर्चस्व चाहता है और अपना सम्मान लौटाना चाहता है, उस कड़ी में जरूर कई लोग फिर से बलकल सीट से पंजाबी समुदाय के लोग लाइन में लगे हैं। इनमें एक भरत अरोड़ा है। भरत अरोड़ा की पहचान या खासियत ये है कि वो फरीदाबाद के मेयर, एक्स मेयर अशोक अरोड़ा के पुत्र हैं। उसी तरीके से योगेश धींगड़ा भी बड़गल से विधानसभा क्षेत्र से टिकट लेने की लाइन में है कांग्रेस का, और उनकी भी ये पहचान है कि उनके बड़े भाई वो निवर्तमान नगर निगम के पार्षद रहे हैं, और उनके बड़े भाई भुवनेश धींगड़ा भी पार्षद रहे हैं। यानी लंबे समय से दोनों भाई धींगड़ा परिवार यहाँ की राजनीति करता रहा है। तो उस बिना पर योगेश धींगड़ा भी बड़कल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट चाहते हैं। और इसके अलावा गुलशन बग्गा भी पंजाबी समुदाय से हैं, वो जिला कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं और एक बार एनआईटी विधानसभा से वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उनकी इच्छा बड़कल विधानसभा क्षेत्र से अच्छी लड़ने की ले, और वो गुलशन बग्गा जी जीत नहीं पाए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस हाईकमान पंजाबी समुदाय के सम्मान की रक्षा करेगा, उनका सम्मान उन्हें लौटाएगा और फिर यहाँ से कोई पंजाबी उम्मीदवार खड़ा करेगा। और उनमें से मैंने बता दिया कि गुलशन बग्गा हो सकते हैं, योगेश धींगड़ा हो सकते हैं और भरत अरोड़ा हो सकते हैं, दो तीन नाम और भी हैं, या फिर विजय प्रताप को ही टिकट देगा। उनके पिता इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, पिछली बार विजय प्रताप चुनाव हार चुके हैं। और एक जो सोचनीय विषय है वो ये है कि चौधरी महेंद्र प्रताप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे बड़कल से, या विजय प्रताप लगभग 2500 वोटों से 2019 में बड़कल विधानसभा का चुनाव हारे कांग्रेस के टिकट पर, तो उसी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप यानी विजय प्रताप के पिताजी को 35,800 वोटों से वो पीछे रहे। यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में भी वो आगे नहीं निकल पाए। हालांकि ओवरऑल उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन ये बात उनके लिए माइनस में जाती है, माइनस पॉइंट है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक में बढ़त नहीं बना सके और 35,000 वोटों से भी पीछे रह गए। और विजय प्रताप पिछली बार चुनाव हार चुके हैं, तो क्या कांग्रेस इस बिना पर, क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी महेंद्र प्रताप पीछे रह गए और पिछली बार विजय प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा, तो इस बिना पर क्या पंजाबी समुदाय को बड़कल विधानसभा का टिकट नवाजा जा सकता है? तो दोस्तों, यदि हम ईमानदारी से या
आंकड़ों की बात तो हम कर ही रहे हैं, तो बेशक जो लोग कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लाइन में लगे हैं, वो महेंद्र प्रताप चौधरी की और विजय प्रताप के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि चुनाव बहुत खर्चीले हो चुके हैं। लेकिन जो लोग लाइन में लगे हैं वो संभवतः इस स्थिति में नहीं है कि महंगे चुनावों में वो इतना खर्चा उठा सकें, चाहे गुलशन बग्गा हो, चाहे योगेश धींगड़ा हो, चाहे भरत अरोड़ा हो। लेकिन साथ ही ये भी सत्य है कि कोई ना कोई कभी ना कभी तो नए सिरे से खड़ा होता ही है, और कई बार ऐसा होता है कि जनता चुनाव जितवाती है। जैसे कि इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का उभार हुआ, और एक तरीके से चाहे हरियाणा हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे फरीदाबाद लोकसभा सीट हो, जनता ने एक तरीके से चुनाव लड़ा, जनता आगे बढ़ चढ़कर कांग्रेस उम्मीदवारों को या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने में या उन्हें वोट देने में या उनका समर्थन करने में बहुत आगे रही। उसी वजह से बहुत जगह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा, और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों में कांग्रेस 5 सीट जीतने में कामयाब भी रही। तो ये सब जनता के मूड की वजह से हुआ। तो दोस्तों, यदि जनता का मूड हो और कांग्रेस हाई कमान पंजाबी समुदाय के सम्मान की रक्षा करे और जो उनका पहले वर्चस्व था उसको लौटाए, तो कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है, बेशक वो आर्थिक रूप से कमजोर ना हो। और जनता का मूड इस बार तो कांग्रेस के हक में लग रहा है, क्योंकि चाहे कुछ 5 कैंडिडेट भाजपा के हारे और कांग्रेस को मिले, लेकिन जहां 5 सीटों पर भाजपा जीती है तो वहां का अंतर बहुत कम रह गया है। चलो, मुद्दा हमारा लोकसभा चुनाव नहीं है, मुद्दा है बड़कल विधानसभा क्षेत्र। अब देखना यह है कि कांग्रेस विजय प्रताप को जो हारा हुआ उम्मीदवार है पिछली बार का, और जिसके पिता अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 35,000 वोटों से पीछे रह गए, उसको फिर टिकट देंगे, या जो मैंने 3 नाम बताए या कोई और नया नाम पंजाबी समुदाय से आगे आ सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा बड़कल विधानसभा क्षेत्र का आकलन, वोटों के हिसाब से भी, लोकसभा चुनाव में मिले कितने वोट मिले उस लिहाज से भी, और बड़कल विधानसभा क्षेत्र पर दशकों तक कांग्रेस के पंजाबी समुदाय के उम्मीदवार जीतते रहे उस बिना पर भी। लेकिन विजय प्रताप और महेंद्र प्रताप एक बड़ा राजनीतिक परिवार है इस क्षेत्र का, तो देखना है कि हाईकमान की नज़र में क्या सही है, क्या वो पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को टिकट देगा या फिर से विजय प्रताप के टिकट पर ही मोहर लगेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मुद्दा कि बड़कल विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, कांग्रेस किसको टिकट देगी। तो देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।